हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज आप जानने वाले हैं चॉकलेट मेकिंग बिजनेस। चॉकलेट की उपयोगिता तो आप समझते ही हैं कि आज के डेट में क्या हो रहा है। चॉकलेट ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, चॉकलेट की मार्केटिंग बढ़ गई है पहले से बहुत ज़्यादा। तो इस अवसर में हमें चाहिए कि इसका बिजनेस कर सकते हैं या इसका बिजनेस में अच्छा अर्निंग है। तो दोस्तों, पहले ये समझ लीजिए कि इसमें मशीन की क्या क्या ज़रूरत है। पहले एक मेल्टर चाहिए जो चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट कर दे। फिर मिक्सचर चाहिए, ये भी मशीन है, ये मिक्सिंग का काम करता है। टेम्परेचर कंट्रोलर एक मशीन होता है जिसमें चॉकलेट का टेम्परेचर कंट्रोल कर दे। साथ ही एक फ्रिज चाहिए, ये सब टूल्स होना चाहिए। अब आते हैं रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल में चॉकलेट कंपाउंड, ये जो चॉकलेट का रॉ है, ये चॉकलेट का रॉ है जो चॉकलेट कंपाउंड के नाम से आता है। अब तीसरा है सिलिकॉन मोल्ड। अब चौथा है, देखते हैं आप, स्पेचुला। पांचवा में है एसेंस और छठा में है रैपिंग पेपर, चॉकलेट चिप्स, चोको चिप्स और नट्स, कलर, फ्रूट टेस्ट। फ्रूट टेस्ट का एक आता है लिक्विड जो जिस फ्रूट में आप चाहें उसमें टेस्ट बना सकते हैं, और साथ साथ ट्रे। इतना ही मटेरियल होना चाहिए। साथ साथ में अब ये घर में आप जो कोई कमरा खाली है 200-250 स्क्वायर फीट में अगर आपका जगह है तो घर में ही बनाया जा सकता है चॉकलेट। इसके लिए कोई लोकेशन की सही ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये मार्केट में ही सेल होना है। आप वहाँ से ले जाके मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए हमें एक या दो लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मैन पावर भी नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी तो होना ही चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये हो नहीं पाएगा। चॉकलेट का आज सेल की बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े मॉल्स में या छोटे छोटे से किराना स्टोर्स में या चॉकलेट की एक स्पेशल शॉप भी होती है जो केवल चॉकलेट प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ इस अवसर पे आप चाहें तो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, इसमें 1 से 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। छोटा छोटा मशीन आएगा और छोटे से स्पेस में सेट हो जाएगा। और साथ ही अब आप किराना स्टोर या मॉल या स्पेशल चॉकलेट की जो दुकानें हैं या किसी का बर्थडे आता है या इस तरह के अवसर में आप चाहें तो आप बेच सकते हैं, आराम से बेच सकते हैं। अब इनका अपना भी स्टोर खोल सकते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सेल की प्रॉब्लम नहीं है। आप गांव-गांव में या कस्बों में हर जगह चॉकलेट का अपना जितने भी किराना स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, सबको आप सप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सेल होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करके रखेंगे, साथ ही कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस सेटअप हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।